नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनम जीएनएम भर्ती 2018 की। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र जी राठौड़, अखिल जी अरोड़ा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघुजी शर्मा भर्ती जो प्रभारी हैं संजय जी सक्सेना, इसके अलावा अतिरिक्त निदेशक मुकुल जी शर्मा से यहाँ पर वार्ता हुई। वंचित 3674, इसके अलावा NHM 108, NRHM और संविदा कर्मचारियों को जल्द नियुक्ति का यहाँ पर आश्वासन मिला है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट, क्या है संघर्ष समिति 2018 का संदेश, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 जुलाई यानी आज के दिन नर्सेज भर्ती 2018 को लेकर संघर्ष समिति के प्रतिनिधि ने आज पुनः आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़ से मिले। कार्यरत संविदा नर्सेज कर्मियों को की नियुक्ति को लेकर एक बार पुनः आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब ने टेलीफोन के माध्यम से नवनियुक्त प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अखिल जी अरोड़ा एवं चिकित्सा मंत्री तक बात पहुंचाई और सचिवालय में यहाँ पर आज मुलाकात हुई। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं इसके पश्चात जो भर्ती में मुख्य आकर्षक हैं, ये जो मैसेज है मैं बता दूं राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति 2018 द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। इसके मैं बता दूं जो भर्ती के मुख्य आकर्षक हैं, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मुकुल जी शर्मा से निर्णायक मीटिंग करने की बात कही, जिसमें मुख्य बिंदु कार्यरत संविदा नर्सेज कर्मियों की यथावत नियुक्ति करवाने एवं परीक्षा काल 29 अप्रैल से करवाने को रहा। आदरणीय मुकुल जी ने संघर्ष समिति के आग्रह पर तुरंत प्रभाव से भर्ती डायरेक्टर डॉक्टर संजय सक्सेना से यहाँ पर बुलाकर मांग पत्र पर चर्चा की। मैं बता दूं निदेशक साहब ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही उच्च स्तर के अधिकारियों एवं मंत्री जी से सलाह सहमति करके संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर रियायत बढ़ती जाएगी। मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो न्यायालय की जो याचिकाएं थी, लगभग याचिकाओं का यहाँ पर निस्तारण हो चुका है। जो साथी बिना किसी पद की वजह से होल्ड किए हुए हैं, उन सब का चयन भी न्यायालय के अधीन समस्त प्रकरण फाइनल होने के पश्चात नियुक्ति देना तय है। यहाँ दोस्तों, उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी जो जिनको होल्ड कर रखा है, जिनको यहाँ पर नियुक्ति नहीं दी गई है। वार्ता में संघर्ष समिति के सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे। साथियों आज की वार्ता सकारात्मक रही, इसके बावजूद भी जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब से, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघुजी शर्मा से, इसके अलावा अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मुकुल जी शर्मा से, अखिल जी अरोड़ा जी से, इसके अलावा मैं बता दूं भर्ती डायरेक्टर डॉक्टर संजय जी सक्सेना से मुलाकात हुई। और जो संविदा नर्सेज कर्मचारी की जो प्रमुख समस्या है कि उनका परीक्षा काल है 29 अप्रैल से किया जाए, इसके अलावा जो सीनियरिटी है उनको इसको प्रभावित न करें, इस हिसाब से इनके प्रोविजन तैयार किए जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो वार्ता है वो सकारात्मक रही। इसके अलावा जिन जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर रोक रखा है, 3674 जो अभ्यर्थी है, उनको भी यहाँ पर जल्दी ज्वाइनिंग देने की बात कही गई है। इसके अलावा विभिन्न जो अभ्यर्थी हैं जिनकी याचिकाओं का निस्तारण हो चुका है, जिनको न्यायालय के अधीन यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग दी जा रही है। साथ ही न्यायालय में जो प्रकरण थे लगभग निस्तारित हो चुके हैं। जो साथी बिना किसी वजह से होल्ड किए हुए थे, उन सब का भी चयन न्यायालय के अधीन समस्त प्रकरण फाइनल होने के बाद में भी इनको नियुक्ति यहाँ पर दे दी जाएगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो वार्ता है वो सकारात्मक रही और जल्द नियुक्ति का यहाँ पर आश्वासन दिया है। साथ ही जो संविदा कर्मचारी है उनका भी जो नियुक्ति तिथि है वो 29 अप्रैल से मानने और परीक्षा काल 29 से करने और इसके अलावा सीनियरिटी आदि बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एनम जीएनएम भर्ती 2018 को लेकर यहाँ पर सकारात्मक वार्ता हुई और जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग के आश्वासन भी मिले हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि लगभग जो याचिकाएं हैं उनका निस्तारण हो चुका है, कुछ जो एकाधी याचिकाएं हैं वो पेंडिंग हैं, जल्द ही उनका निस्तारण किया जाएगा। साथ ही जो संविदा कर्मचारी हैं उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, ये भी यहाँ पर सकारात्मक आश्वासन मिला है। साथ ही जो बिना किसी वजह से होल्ड किए गए हैं उनको भी यहाँ पर जल्द नियुक्ति के आश्वासन दिया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।